रात को सोते समय ग्राम पंचायत सचिव की बेटी ने धारदार हथियार से पिता की गला रेत कर की हत्या, वहीं भाई की हत्या करने में हुई असफल। कन्नौज में एक ऐसी घटना जहां पर बेटी ने अपने ही पिता को उतारा मौत के घाट। बेटी ने रात को सोते समय अपने पिता को धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं दूसरे कमरे में सो रहे भाई पर भी बोला हमला, मगर हुई असफल, क्योंकि भाई की नींद से हमला करने के दौरान जाग गया और फिर उसी दौरान हाथ में पकड़े हथौड़ों को छीन कर फेंक दिया, जिसके बाद बहन ने अपने भाई के हाथ और पैरों में दांत से काट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारोपी किशोरी को हिरासत में ले लिया। मामला छिबरामऊ के करमुल्लापुर गांव का है। करमुल्लापुर गांव की एक युवती ने अपने ही पिता की गला रेत कर हत्या कर दी और अपने भाई की भी हत्या करने का प्रयास किया। इतने में भाई चीख पुकार सुन के परिजन जाग गए और तभी आस पड़ोस के लोग आ गए। इतने में पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी किशोरी को अपनी हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक विकास खंड सौरिक में ग्राम पंचायत सचिव पद पे तैनात था। पिता के आपका देहावसान हुआ, आपको आपको कैसे मालूम पड़ा? आपकी बहन से झड़प हुई थी क्या बाद में? जी हाँ। कितने बजे घटना होगी लगभग? ये एक साथ एक से लेकर दो के बीच में। दो के बीच में होगी। बहन की उम्र, आप बहन आपसे बड़ी है छोटी? 17 साल है, 18 साल। अच्छा अच्छा, मतलब छोटी है आपसे। पढ़ाई करती है क्या? पढ़ाई करती है, 12th में। कोई झगड़ा वगैरह हो गया था क्या घर पे? फिर क्या लगा, मतलब आपको कैसे किया उसने? कैसे किया? पहले तो पापा का किया, फिर मेरे पास जब आई उसके पास हाथ में हथौड़ा था। पहले ये कौन है, ये जान आपके ही है क्या? क्या हुआ फिर? फिर जब आज मेरे पास हाथ में हथौड़ा था, मतलब मैं जिम जाता हूँ, मेरा शरीर तंदुरुस्त है, ठीक है, पता चल जाएगा कौन क्या है मारने वाला है तेज से, तो उसको मैंने एकदम नीचे से गर्दन उसकी दबाई और नीचे किया, तब उसी वक्त उसने मेरे दांत से काटा और मैं तभी एकदम इतनी तेज चलाया कि मेरे जो मतलब मेरे घर का बिल्कुल पास में ताई घर है, ताई के घर से सब लोग आ गए। ये मामला। अच्छा, मतलब पिता को जब मारा था तो हथौड़ा था? हाँ, पिता को मारा था, गर्दन में कट था, गर्दन में कट हथौड़े से थोड़ी ना है। फिर किस चीज़ से लग रहा है? किसी चीज़ से मारा तो चीज मिला? पोस्टमार्टम करवाएंगे ना, उसी से पता। नहीं, हथियार कोई मिला आपको वहाँ जिस चीज़ से मारा हो? वो हथियार नहीं था वहाँ पर, कुछ नहीं डला, मतलब उसके आगे सिर्फ हथौड़ा ही था। हथौड़ा था मेरे लिए, हथौड़ा था पापा के लिए नहीं पता। अच्छा। क्योंकि जब मैंने पापा मेरे ऊपर हथौड़ा आया और तो आपने उसके बीच में कम से कम 2 मिनट का गैप होगा, पापा के पास गया, वहाँ पर खून था, खून शायद ज़्यादा जम चुका था, मतलब कम से कम 1 घंटा तो हो चुका था, सीधी बात है। दिनांक 20 मई 2024, थाना छिबरामऊ, ग्राम करमुल्लापुर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। मौके से ज्ञात हुआ कि उनकी नाबालिग लड़की द्वारा ही हत्या की गई है। उक्त प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है।